हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। और हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे मध्य प्रदेश का करंट जनवरी से लगाकर नवंबर तक जो भी है देख चुके हैं 2019 का। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था? मध्य प्रदेश एक परिचय के बारे में देखा था, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से लगाकर राजनीतिक व्यवस्था, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन, आर्थिक नियोजन एवं बजट, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, खेलकूद, पुरस्कार, सम्मान और करंट अफेयर्स देख लिया था हम लोगों ने। सब अपडेटेड हैं, जो भी अपडेट हुआ है 2018-19 में उन सभी से को अपडेट करके देखा है। अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग विविध के बारे में। ठीक है, आपको बताते हैं अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ रह गए 100 क्वेश्चन के करीब इसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। तो चलिए इसमें बात करते हैं हम लोग विविध के बारे में। वर्ष 2019 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में रासायनिक जैविक रेडियो विकिरण, परमाणु और विस्फोटक हमलों से निपटने के लिए डॉक्टरों के लिए पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम संस्थान है। याद रखना, आगे जून 2019 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा जारी किए गए जिसमें वर्ष 2018 के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ पर्यटन स्थल में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रथम तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। फिर आगे चौथे इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन मिनरल्स एंड साइंस एंड माइंस का आयोजन इंदौर में किया गया। आगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में देश का प्रथम दिव्यांग पार्क स्थापित किया गया। आगे 9 अगस्त 2019 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश को नगरीय विकास के लिए 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल गांव बड़छेरी झीरी भोपाल बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से बनाया गया। याद रखिए, बड़झीरी भोपाल मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल गांव है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने महीने के प्रथम मंगलवार को राजस्व दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अगला है 4 अक्टूबर 2018 को भोपाल मेट्रो कुल लंबाई 27.87 किलोमीटर और इंदौर मेट्रो को लंबाई 31.55 किलोमीटर परियोजना केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। मध्य प्रदेश उच्च स्तरीय स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर में स्थापित की जाएगी। आगे बात करते हैं, प्रदेश का पहला सौभाग्य जिला बना है इंदौर। मध्य प्रदेश में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु तो मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, उन्हें कल्याणी नाम प्रदान किया गया है। आगे मध्य प्रदेश गौवंश के संवर्धन व संरक्षण के लिए बसामन मामा गौवंश वन विहार रीवा में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा रतलाम विदिशा में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। कहाँ का? खंडवा रतलाम विदिशा में। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के शासकीय रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की छत पर स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2017 में नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया गया है। इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, नर्मदा नदी को। वर्ष 2018 में भारत और वियतनाम की थल सेना ने अपना पहला सैनिक अभ्यास विनबैक्स मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिले में किया गया। 3 जून 2018 को मंडला जिले से राज्य स्तरीय आयरन और आयोडीन युक्त वन्या प्लस डबल फोर्टिफाइड नामक विपणन योजना प्रारंभ की गई। आगे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए पुरस्कृत किया है। आगे है नर्मदा सेवा यात्रा का समापन 15 मई 2017 को अमरकंटक में किया गया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्मदे सर्वदे का नारा दिया। उजाला योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश बल्ब वितरित करने वाला दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के 7 शहरों क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन को स्मार्ट सिटी में सम्मिलित किया गया है, जबकि अमरकंटक को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। तो स्मार्ट सिटी में कितने राज्य में कितने शहर शामिल हैं? 7, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन को स्मार्ट सिटी में सम्मिलित किया गया, जबकि अमरकंटक को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी वायुसेना के इतिहास में अकेले फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट बन गई। अवनी ने रूस में निर्मित बिग मिग 21 फाइटर प्लेन उड़ाया है। आगे बात करते हैं, राज्य बुक बैंक योजना को प्रायोगिक स्तर पर राज्य के 3 जिलों नरसिंहपुर, दतिया, इंदौर में प्रारंभ किया है। अगला है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना ग्वालियर जिले में की जाएगी। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। आगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। भारत सरकार की एजेंसी स्पार्क द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। आगे बात करते हैं, ई वे बिल योजना को 24 अप्रैल 2018 से प्रारंभ करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है। साउथ दाऊदी वोहरा समुदाय के 9 दिवसीय आसरा मुबारक समारोह का आयोजन 14 सितंबर 2018 से इंदौर में किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे, राज्य विधानसभा में 5 सितंबर 2017 को दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2017 पारित किया गया। इस विधेयक में 17 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार धारा 376A के अपराधियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। आगे, सितंबर 2018 को जैन मुनि तरुण सागर का दिल्ली में निधन हो गया। इनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 1967 में हुआ था। इनका मूल नाम था पवन कुमार जैन, ठीक है, याद रखना, दमोह जिले में हुआ था 1967 में। 3 जुलाई 2017 को ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास भोपाल में किया गया। इस पार्क के निर्माण में तकनीकी सहायता सिंगापुर के द्वारा प्रदान की गई। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार द्वारा जबलपुर जिले के भेड़ाघाट स्थल को विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया। खान एवं खनन मंत्रालय द्वारा 13 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश के इंदौर में 4th राष्ट्रीय खान एवं खनिज सम्मेलन का आयोजन किया है। मंदसौर जिले के पर्यटक स्थल गांधी सागर में 17 से 26 फरवरी 2018 को झील महोत्सव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है, जिसमें 3 तहसीलें शामिल हैं, निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वी को सम्मिलित कर 1 अक्टूबर 2018 को सृजित किया गया। वर्तमान में जिला राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला जिला है। 6 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश में 5 नए सूचना आयुक्त क्रमशः आर के माथुर, तरुण पांडे, डी पी अहिरवार, सुरेंद्र सिंह, पत्रकार विजय मनोहर तिवारी नियुक्त किए गए। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने भारत में सिटीज ऑफ 4 कल्चर 2021 प्रोग्राम में चुना है। यह प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूनाइटेड सिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट की ओर से संचालित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं,
राज्य सरकार द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की मॉनिटरिंग सैटेलाइट के माध्यम से की जा रही है। इसके अंतर्गत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भुवन मोबाइल ऐप के माध्यम से जियोटेक फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, नरेंद्र कुमार जैन को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 में किया गया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की नगर पालिका परिषद झाबुआ को 25 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में वर्ष 2017-18 के लिए नगरीय जल आपूर्ति व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम इंडो तिब्बत पुलिस हथियार प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना दमोह जिले में की जा रही है। आगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 23 से 28 सितंबर 2018 तक दोहों गीतों और शेरों शायरी पर आधारित विश्व की एकमात्र रामलीला का प्रदर्शन किया गया। आगे बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन की 11वीं वैश्विक मंत्री समूह की बैठक 11 से 14 सितंबर 2017 के मध्य अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में भारत के सामाजिक आर्थिक पक्ष को रखने के लिए भोपाल के सामाजिक शोधकर्ता श्री सचिन कुमार जैन ने भी भाग लिया है। भारत सरकार के खाद्य एवं सुरक्षा अभियान का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। 9 अगस्त 2018 को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन धार जिले में किया गया था। 6 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश में प्रथम बार राज्यपाल आनंदीबेन को महिला गार्ड एवं महिला गार्ड कमांडर द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं, देश की प्रथम महिला गार्ड ऑफ ऑनर कमांडर सूबेदार प्राची राजपूत ने प्रतिनिधित्व किया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2018 तक प्रदेश के सभी 10,161 पुलिस थानों द्वारा सम्मान सुरक्षा संवाद अभियान संचालित किया गया। आगे बात करते हैं, सीहोर जिले की मेधा परमार कौन मेधा परमार 23 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतरोही बन गई। कौन मेघा परमार सीहोर जिले की हैं, ठीक है। फिर 29 जनवरी 2018 को प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की स्मृति पर दतिया में अखिल भारतीय चित्रकला प्रदर्शनी और सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बात करते हैं, 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 8.15 लाख आवास का निर्माण कर राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 1 जून 2015 को किया गया था। मध्य प्रदेश सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के अंतर्गत 40 जिलों को 100% विद्युतीकृत कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्रमशः चरणों में 11 जिलों क्रमशः मालवा मंदसौर इंदौर खंडवा नीमच देवास रतलाम हरदा अशोकनगर उज्जैन शाजापुर को विद्युतीकृत किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 14 अगस्त 2017 का आयोजन किया गया। इसका सम्मेलन का मुख्य विषय था शेयर्ड वैल्यूज फॉर कॉमन डेस्टिनी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बाल कलाकार कुमारी माही सैनी को राज्य विधानसभा चुनाव 2018 के लिए मतदाता जागरूकता निर्वाचन प्रसार हेतु स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया। आगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग ने शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मध्य प्रदेश के में 18 सितंबर 2018 को 7 नई तहसीलों के निर्माण में के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें देवरी रायसेन खुजनेर रामगढ़
सुठालिया, राजगढ़, रन्नौत, शिवपुरी, झारड़ा, उज्जैन, बहादुरपुर, अशोक नगर, पीथमपुर, धार सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 26 जून 2018 को मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन योजना विधेयक 2018 पारित किया गया। इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2006 के बाद जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को लाभ मिलेगा, जिसमें स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रावधान सम्मिलित है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2018 में अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रांट जारी करने वाला इंदौर नगर निगम देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है। अमृत योजना मध्य प्रदेश के 34 शहरों में लागू है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में एशिया के सबसे बड़े ऑटो टेस्टिंग सेंटर नेटरेक्स का निर्माण किया गया। 1 जून 2018 को रीवा में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता राज कपूर की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र अभिनेता रणबीर कपूर ने किया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखने के लिए पंच परमेश्वर पोर्टल एवं ऐप को लॉन्च किया गया। पंच परमेश्वर पोर्टल भारत सरकार का गोल्ड आइकॉन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2018 हैदराबाद में प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं, पंचायती राज के स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण के उद्देश्य से एफिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट भोपाल द्वारा देश के 57 जिलों में प्रदेश के 3 जिलों बैतूल, सागर, रायसेन का चयन किया गया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतारमण शर्मा पहले थे, ठीक है, 2019 से। उपाध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिसंबर 2017 में ढाका, बांग्लादेश में हुई 63वीं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रकुल संसदीय संघ की कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित हुए। होशंगाबाद जिले के आंवली घाट को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल का उपयोग करने वाला देश में प्रथम स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश रियल एस्टेट एक्ट अधिनियम 2017 1 मई 2017 को राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया। मध्य प्रदेश रियल एस्टेट अथॉरिटी के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनी डिसा हैं। मध्य प्रदेश वर्ष 2018 से मनरेगा योजना के अंतर्गत 174 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश का प्रथम कैशलेस नगर निगम इंदौर नगर निगम बन गया। 12 जून 2019 को इंदौर नगर निगम का बजट महापौर मालिनी गौड़ ने जारी किया है, जिसके अंतर्गत NSE के पश्चात लंदन स्टॉक एक्सचेंज में से ब्रांड जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है। मध्य प्रदेश के बुनकरों एवं रंगाई छपाई कला से जुड़े कलाकारों पर केंद्रित मासिक पत्रिका औरत का विमोचन नरोत्तम मिश्रा द्वारा किया गया। इस पत्रिका की संपादक हैं डॉक्टर विधुलता और श्री दीपक सक्सेना। आगे बात करते हैं, वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का पहला मेगा फूड पार्क अवंती मेगा फूड पार्क देवास में स्थापित किया गया तथा राज्य के कटनी जिले में दलहन मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश भारत में इंडिया एक्से सिविल की तर्ज पर एक्से सिविल MP अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेटेंट करवाया गया, जो मध्य प्रदेश इस तरह का पहला पेटेंट है। आगे बात करते हैं, भोपाल में 11 से 12 सितंबर 2018 के मध्य 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कार्मिक और जन शिकायत विभाग द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का विषय विकास के आकांक्षी पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुशासन था। इस सम्मेलन में 12 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। मध्य प्रदेश में 21 मई 2018 को MyMP रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी थीम है हम छू लेंगे आसमान। आगे बात करते हैं, भारतमाला योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में मध्य प्रदेश
5,987 किलोमीटर लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति दी गई। इस योजना में भोपाल इंदौर 6 लेन एक्सप्रेसवे और भोपाल बाईपास के निर्माण की स्वीकृति दी गई। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश इंदौर शहर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया जहां यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया। राज्य के रीवा जिले को इंडिया टुडे के एक सर्वे के आधार पर समग्र विकास की श्रेणी में प्रगतिशील जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य में प्रथम ड्राई पोर्ट इंदौर के पास मांगलिया नामक स्थान पर स्थापित की जा रही है। अगले मध्य प्रदेश भिंड जिले के में विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड एवं इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त साझेदारी के अंतर्गत निर्मित की जा रही है। आगे देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला ओल्ड एज होम भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। देश के दो अन्य ओल्ड एज होम त्रिपुरा और चंडीगढ़ में है। ठीक, डॉक्टर ज्योतिलाल भंडारी इंदौर प्रसिद्ध कैरियर मार्गदर्शक शिक्षाविद एवं अर्थशास्त्री का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इन्फेंट्री म्यूजियम का निर्माण महू इंदौर में किया जा रहा है। इस म्यूजियम की थीम है द आर्मी मैन। आगे बात करते हैं उन्नत भारत अभियान UBA के अंतर्गत केंद्र सरकार ने देश से 89 जिलों का चयन किया है जिसमें मध्य प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? झाबुआ, अलीराजपुर, शिवपुर, दतिया, शिवपुरी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ को शामिल किया गया। इस अभियान का दूसरा चरण 25 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया। आगे मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। अगला है नीति आयोग द्वारा लेवेबिलिटी इंडेक्स के टॉप 10 शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर भोपाल क्रमशः 8वें और 10वें स्थान पर है। इस सूचकांक में पूरे महाराष्ट्र का प्रथम स्थान रहा है। आगे बात करते हैं जन कल्याण संबल योजना का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले की टिमरनी तहसील में 13 जून 2018 को किया। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए राज्य के जबलपुर जिले में 100 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य के ग्वालियर जिले में स्थित महालेखाकार कार्यालय में महालेखाकार के पद पर रविंद्र पत्तार को नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती समारोह में 14 अप्रैल 2018 को महू इंदौर में सम्मिलित हुए थे। भोपाल नेहरू युवा केंद्र के विष्णु शर्मा को अब्दुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं 29 मई 2018 को कर्मचारी बीमा सह बचत योजना को पुनरीक्षित एवं बीमा मूल्य को दुगुना कर अंशदान का 60% अंश बचत निधि में और 40% अंश प्रीमियम के रूप में निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू की गई। आगे बात करते हैं नेवल सेलिंग नोड की स्थापना के लिए केंद्रीय रक्षा विभाग को ग्राम कोहे फिजा खानू गांव तहसील हुजूर जिला हुजूर तहसील हुजूर जिला भोपाल में 0.202 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। आगे बात करते हैं हिम्मत कोठारी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के वित्त एवं करों के बंटवारे के लिए पाँचवें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है मुख्यमंत्री जनधन सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी 2018 को मंदसौर जिले के दलौदा में की थी। इस योजना के माध्यम से लोगों को सुरक्षित निवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा।
आगे अनूपपुर जिले के सुदूर अंचल के आदिवासी बहुल ग्राम पड़मनिया बड़ी तुम्मी एवं सरई में विपरीत परिस्थितियों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के जिला प्रशासन के नवाचार को न्यू पाथवेज नामक पुस्तक में स्थान प्राप्त हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तराना उज्जैन से नर्मदा छिपरा बहुउद्देशीय उद्यान सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश डेनमार्क देश के सहयोग से 1000 मेगावाट क्षमता वाला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर कैलाश सत्यार्थी जी को चुना है। एक थी रानी SCB राजमाता विजया राजे सिंधिया की जीवनी पर आधारित फिल्म जिसे मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया। आगे बात करते हैं वर्ष 2018 में राज्य का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र लाला मंडल इंदौर में है। मध्य प्रदेश ने बाल शोषण समाप्ति अभियान 20 अगस्त 2017 से शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के LPG वाटलिंग प्लांट की आधारशिला मनेरी नामक स्थान पर रखी। यह प्लांट मंडला जिले में स्थित है। अगला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्टाम वाटर डैम का निर्माण होशंगाबाद में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शंकर पांडे ने इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। लखनऊ में आयोजित नगरीय विकास कार्यक्रम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जबलपुर को NDMC के स्मार्ट क्लासरूम एवं बेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए तथा इंदौर को अमृत योजना ब्रांड जारी करने के लिए पुरस्कृत किया गया। अगला मध्य प्रदेश में दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत डाक टिकटों का संग्रहण करने वालों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आगे बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विमोचित पुस्तक 108 जीवन मंत्र ओम प्रकाश मेहता ने लिखी है। अगले मध्य प्रदेश वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2017 तक गेहूं उत्पादन में 345% की वृद्धि हुई है। अगली एक गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान 2016 से अश्विनी कुमार व नलिनी सिंह को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की सुदीप्ति हजेला ने नई दिल्ली में आयोजित FEI वर्ल्ड यूथ डेमार्च चैलेंज टूर्नामेंट में घोड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। सुदीप्ति हजेला वर्ष 2017-18 में देश की पहली गौ एम्बुलेंस सेवा खरगोन में शुरू हुई है की गई है। वर्ष 2017 में सार्क देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन इंदौर में हुआ। इसका विषय था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, वर्ष 2018 में पूर्व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन तत्या टॉपी स्टेडियम में किया। अंगाला है मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन जनवरी महीने में टीकमगढ़ जिले में किया गया। लक्ष्मीबाई वीरांगना अवार्ड से 2017 के लिए सुनीता नारायण को सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की दृष्टिहीन लोगों के लिए समर्पित पहली लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी का नाम सुगम पुस्तकालय है। आगे मध्य प्रदेश के पन्ना शहर को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला राज्य में शहीदों के परिजनों को सम्मान निधि के रूप में 1 करोड़ की राशि देने का निर्णय लिया गया है तथा इस राशि में 40% राशि शहीद के पिता माता पिता को दी जाएगी ताकि वे अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर सकें। आगे देखते हैं सिंगापुर की सहायता से भोपाल में निर्मित 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ग्लोबल पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सर्वे रिपोर्ट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत के 111 स्मार्ट शहरों में सबसे सुरक्षित शहर सागर है मध्य प्रदेश का। आगे बात करते हैं राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स हब बुधनी में स्थापित किया जाएगा। एशियन कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाला जबलपुर
तीरंदाजी एकेडमी की खिलाड़ी मुस्कान किरार हैं। आगे देखते हैं, जल संरक्षण अभियान आधा गिलास पानी नव दुनिया समाचार पत्र के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत का पहला मक्का उत्सव मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, शिवराज सिंह चौहान ने राज्य का आयरन लेडी का खिताब ब्रह्मा कुमारी शिवपुरी को दिया है। आगे बात करते हैं, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए राज्य सरकार ने यूके के सीफील्ड हेलम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सतना और सागर शहरों में लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की है, जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक परिसर एक स्कूल अवधारणा शुरू की जाएगी। आगे देखते हैं, वर्ष 2017-18 में मुस्कान अहिरवार कच्चे मकान में पुस्तकालय चलाने वाली महिला हैं, जिन्होंने 25 किताबों के साथ पुस्तकालय शुरू किया था। आगे बात करते हैं, गौरी शर्मा ने दिव्यांगों को की नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वर्ष 2017-18 में भारतीय रेलवे में ने मध्य प्रदेश जिले के भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 22 जिलों में मलेरिया रोधी कार्यक्रम चला रहा है। जून 2019 को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ एवं अटेर में पहली बार उपचुनाव 2017 के दौरान VVPAT मशीन का उपयोग किया गया। आगे बात करते हैं, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को पर्यटन के लिए 10 अवार्ड मिले हैं। इसमें बेस्ट हेरिटेज प्रॉपर्टी का अवार्ड ग्वालियर देवबाग पैलेस को मिला है तथा बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का पुरस्कार श्री रसिका प्रसाद को मिला है। यह पन्ना वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित हैं। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सोने के भंडार का पता चला है। बात करते हैं आगे, 2018 में मध्य प्रदेश के दिव्यांगों के सुगम मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुगम ऐप को लॉन्च किया है। भोपाल में टीटी नगर स्थित राज्य बॉक्सिंग एकेडमी के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली फ्लोरेंस ओकोलो कन्या की मुक्केबाज हैं। मध्य प्रदेश की समस्याओं के निराकरण के लिए 3 समितियां शक्ति ग्राम स्तर, संगिनी विकास खंड और सखी जिला स्तर पर बनाई जाएगी। सर्बिया में आयोजित 36वीं गोल्डन ग्लेवज बोडीना यूथ टूर्नामेंट में राज्य की दिव्या पवान ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। वर्ष 2017-18 में वैश्विक तंबाकू सर्वेक्षण रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में तंबाकू के उपयोग में 5% की गिरावट आई है। वर्ष 2017-18 में देश के प्रथम मीडिया इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन भोपाल में किया गया। आगे है, सिवनी मालवा में स्थित ओली घाट में भगवान शिव की 71 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान मातृत्व अभियान में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय रोइंग टीम का नेतृत्व कर रही लक्की नाथ धार जिले से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र लोहिया ने इंग्लिश चैनल को पार करके इतिहास रचा है। सत्येंद्र लोहिया। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 510 गांवों का सर्वेक्षण किया गया। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला स्मार्ट सिटी कंट्रोलर सेंटर भोपाल में खोला गया। आगे देखते हैं, 30 अप्रैल 2018 से शुरू की गई गोवर्धन योजना को चिरौली, ग्वालियर, कोघाटा, नरसिंहपुर की पंचायतों से शुरू किया गया। आगे बात करते हैं, दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ
चेस चैम्पियनशिप के अंडर 14 गर्ल्स कैटेगरी में भारत की कृतिया जैन ने कांस्य पदक जीता है। मध्य प्रदेश सरकार ने ताजुल मस्जिद के पीछे स्थित ताजमहल को हेरिटेज होटल बनाने के लिए लीज पर लिया है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों की सिद्धा निधि को 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश को ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक से $210 मिलियन की सहायता राशि प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं, इंडिया टुडे पत्रिका ने पत्रिका के एग्रो समिट एंड अवार्ड 2018 के समारोह में मध्य प्रदेश को समग्र कृषि पैदावार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पहला स्थान मिला है। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों के अभिभावकों की आय की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। आगे देखते हैं, वर्ष 2018 में राज्य में माता नू वन कार्यक्रम झाबुआ जिले में चलाया गया, जो इस क्षेत्र में हरियाली लाने में सफल रहा है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के शिक्षाविद व अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का नाम 1 लाख से अधिक युवाओं को कैरियर के मार्गदर्शन देने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। आगे बात करते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का शुभारंभ दतिया जिले में किया गया। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की इचौल आर्ट गैलरी की संचालिका समाज सेविका अंबिका बेरी को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखिए, अंबिका बेरी। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की डिजिटल डाकिया स्कीम इंदौर शहर से शुरू की गई है। वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित मध्य प्रदेश की महिला डॉक्टर भक्ति यादव का निधन हो गया, वह इंदौर शहर की थी। आगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 रुपये में भरपेट भोजन खिलाने वाली दीनदयाल रसोई योजना 5 अप्रैल 2017 से ग्वालियर से शुरू की गई है। आगे देखते हैं, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने लेटिट्यूड इंटरनेशनल के साथ एक समझौता किया है, जो अमेरिका की एक कंपनी है। इसरो ने देश के 12 शहरों में इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर खोलने की घोषणा की है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को शामिल किया गया है। वर्ष 2017-18 के अंतर्गत जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में स्विमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले अद्वैत फागे इंदौर जिले के निवासी हैं। आगे बात करते हैं, वर्ष 2017 में देश में भर में 115 बाघों की मौत हुई, उनमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में कुल 33 बाघों की मौत हुई थी। आगे बात करते हैं, उपन्यास के क्षेत्र में बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार 2017 में विदेही कृति डॉक्टर मनमोहन तिवारी को चुना गया। मध्य प्रदेश सरकार ने प्याज और लहसुन के लिए उद्यान की प्रोत्साहन योजना को 30 जुलाई 2018 से लागू करने का निर्णय लिया है। आगे, डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में नागरिकों द्वारा दिए गए फीडबैक में मध्य प्रदेश देश में पहला स्थान है। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। यह झाबुआ और अलीराजपुर जिले में पाया जाता है। दो हजार अठारह में राज्य के स्टेरॉयड संयंत्र की स्थापना पीथमपुर में की गई। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है। यह भूटान की तर्ज पर हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया गया। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के 68वें विभाग के रूप में अध्यात्म विभाग का गठन किया गया है। वर्ष 2018 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बांसों की बिक्री के लिए सरकारी शोरूम इंदौर में निर्मित किया गया। आगे देखते हैं, खनियाना तहसील जिला शिवपुरी के गांव पिपरौदा के विष्णु मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। आगे बात करते हैं, राज्य के खरगोन जिला विश्व का पहला क्लीन लीनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा।
अवशिष्ट प्रबंधन के लिए गोवर्धन योजना ग्वालियर एवं नरसिंहपुर जिले में प्रथम स्टेज में संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से भिंड जिले में सर्वाधिक रोजगार सृजन हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिए पेट्रोल और डीजल पर 50 पैसे चार्ज करने का फैसला किया है। आगे दैनिक भास्कर का पहला जावेद अख्तर सम्मान हिंदी गजल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य भानु गुप्त को दिया गया। देश का 26वां सैनिक स्कूल भिंड में खोला जा रहा है। अगला है खंडवा में बना हनुमंतिया वाटर रिसोर्ट सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय पार्क पर आधारित है। मध्य प्रदेश सरकार ने पीने के पानी की परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ $275 मिलियन का समझौता किया है। विदेश का उज्जैन संभाग हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य संभाग का दर्जा हासिल किया है। मध्य प्रदेश के पहला मॉडल करियर प्रशिक्षण व कौशल केंद्र छिंदवाड़ा में है तथा दूसरा है इंदौर में। सरल बिजली बिल योजना के अंतर्गत 1000 वाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश भोपाल में पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्रीकॉन सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को 24 सितंबर 2014 से लागू किया गया। आगे राज्य सरकार के मंदसौर किसान गोलीकांड की जांच कर रही समिति के अध्यक्ष जे के जैन हैं, इनका कार्यकाल सरकार ने आगे बढ़ाया। नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था में गुणवत्ता कार्य के लिए झाबुआ नगर पालिका परिषद को हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए $140 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। आगे बात करते हैं, पशुओं के लिए 30 अप्रैल 2018 से शुरू की गई घर पहुंच चिकित्सा सेवा को प्रारंभ में 10 जिलों में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में खाद्य फलियां अनुसंधान केंद्र अमलाहा में स्थापित किया गया, यह सीहोर जिले में। भारत सरकार ने 11 अक्टूबर 2018 को 11 अक्टूबर 2019 तक राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिंधिया की जन्म सदी बनाने का फैसला किया है। अगला है, मध्य प्रदेश NCC के छात्र जय हरिन खेड़े ने हिमालय की 6167 मीटर ऊंची माउंट सोफी उत्तराखंड की चोटी का पर फतह हासिल की है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त को शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के वरिष्ठ पत्रकार की सिद्धानिधि मिलने के लिए आयु सीमा को 62 वर्ष से कम करके 60 वर्ष कर दिया। वर्ष 2018 में स्मार्ट शहरों के CEO के लिए पहले शीर्ष सम्मेलन की मेजबानी करने वाला शहर भोपाल बना है। गोल्ड सिटी में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के मध्य प्रदेश के वर्ष बर्मन ने देश का प्रतिनिधित्व किया है। आगे बात करते हैं, सरकार ने भू राजस्व संहिता 1959 की समीक्षा एवं संशोधन के लिए बनाई समिति के अध्यक्ष हैं IM दानी। वर्ष 2018 में फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव का आयोजन इंदौर में किया गया। राज्य में पहला कोरकू रेडियो केंद्र खंडवा में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश की पहली ई नगरपालिका भोपाल है तथा वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश का प्रथम पेपरलेस भू अभिलेख कार्यालय भोपाल बन गया। महिला कौशल प्रशिक्षण से संबंधित कौशल्या योजना 18 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में। वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उर नदी सिंचाई परियोजना की आधारशिला पिछौर जिला शिवपुरी में रखी गई है। जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे विदेश की हर्षिता तोमर एवं गोविंद बैरागी का संबंध सेलिंग से है।
वर्ष 2018 में आदि शंकराचार्य की जीवनी को मध्य प्रदेश के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य के पुलिस विभाग ने MIT यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश कार्बन नेशनल वन विहार रीवा में स्थापित किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2018 में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिए माही सोनी छतरपुर को अपना आइकॉन बनाया। याद रखिए माही सोनी छतरपुर को। इंदौर में महू नाका को चाणक्यपुरी चौराहे के बीच 12 किलोमीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा तिरंगा झंडा फहराया गया। कहाँ? इंदौर में महू नाका से चाणक्यपुरी चौराहे के बीच 12 किलोमीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक, आगे बात करते हैं। 2 से 3 फरवरी 2018 को महर्षि अरविंद स्मृति समारोह का आयोजन देवास में किया गया। वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कंचना मंडी जलाशय का शुभारंभ सिवनी में जिले में किया। प्राचीन स्मारक महाराजा किशोर सिंह की समाधि वर्ष 2018 में राज्य संरक्षित घोषित किया गया। वर्ष 2016-17 का उस्ताद लतीफ खान सम्मान संदीप सिंह को प्रदान किया गया। जैव विविधता समिति पिथौरागढ़ सतना को जैव विविधता में राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार मिला है। आगे बात करते हैं, उन्नत कृषि व समग्र विकास के लिए दतिया जिले को मध्य क्षेत्र के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहला घर गवली पलासिया इंदौर में बनाया गया। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में खजुराहो के नज़दीक स्थित इस नए वाटरफॉल की तुलना ग्रैंड कैनियन जलप्रपात से की जाती है। वर्ष 2018 में प्रसिद्ध सितार वादक ध्रुपद गायन में परंपरागत अन्नापूर्ण देवी का निधन हो गया। वह मेहर घराने से संबंधित थी। राज्य में गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल म्यूजियम की स्थापना बुरहानपुर में की जा रही है। मार्च 2017 में राष्ट्रीय सिंधी महिला कवियत्री सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन दिए जाने के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहली हथियार निर्माण इकाई मालनपुर भिंड में स्थापित की जा रही है। झाबुआ थर्मल पावर स्टेशन सिवनी जिले में स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2018 में स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब इंदौर में स्थापित की गई है। देश में स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के सागर और सतना को चुना है। शाजापुर आगर और नीमच में सोलर एनर्जी पार्क के लिए IFC संस्था वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन 21 जुलाई 2017 को किया गया। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने मध्य प्रदेश के भोपाल को भारत में सिटीज फॉर कल्चर प्रोग्राम 21 के लिए चुना है। बात करते हैं आगे, तो वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित नगर विकास कार्यशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के लिए भोपाल राज्य को पुरस्कृत किया है। वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए पन्ना में प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। दो बूंद जिंदगी का नारा देने वाली डॉक्टर संतोष शुक्ला को मिशन इंद्रधनुष में उल्लेखनीय योगदान के लिए रवांडा देश में होने वाले प्रशिक्षण शिविर में भेजा गया है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति पर श्रीमती रेखा पंदराम ने भाषण दिया है। वर्ष 2018 में दिव्यांगों के लिए नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर भोपाल में बनाया गया। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत महू में इन्फेंट्री म्यूजियम की स्थापना की गई। वर्ष 2018 में रांची में आयोजित नेशनल जूनियर एथलेटिक्स
चैंपियनशिप के में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स एकेडमी के अविनाश कुमार ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 25 सितंबर से लागू किया गया। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय विराट गुरुकुल सम्मेलन 2018 का आयोजन उज्जैन में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2018 तक चले राष्ट्रीय बाघ गणना में प्रथम चरण में 5 फरवरी 2018 से शुरू किया गया था। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क अभियान को कार्यान्वयन करने के लिए जियो रिच ऐप लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 5-5 लाख रुपये के पुरस्कार सुशासन उदयीमान कवि एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नवाचार के लिए नीमच जिले को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2018-19 में वैदिक पद्धति के अनुरूप कुंडात्मक हर्बल उद्यान रतलाम में मनाया जा रहा है, जिसमें हर पौधे को वास्तु के अनुरूप स्थान दिया जाएगा। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के खजुराहो नृत्य महोत्सव का में बांग्लादेश अतिथि देश के रूप में था। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश का पहला फूड इरिडेशन प्लांट इंदौर में स्थापित किया गया। वर्ष 2018-19 में अगरतला व चंडीगढ़ के बाद देश का तीसरा गवर्नमेंट ओल्ड एज होम भोपाल में खुला गया। आगे बात करते हैं, वर्ष 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित द अनटोल्ड स्टोरी वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पुस्तक के लेखक एनपी हैं। वर्ष 2018 में दिल्ली मेट्रो रेल ने रीवा के अल्टा सोलर प्लांट से 24% बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में स्वर्गीय प्रभाकर कुलकर्णी को क्रिकेट, खो खो, कबड्डी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं, वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने लिंगलो मशीनरी कंपनी चीन से पीथमपुर को लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए एक समझौता किया है। वर्ष 2018-19 में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 260 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अधोसंरचना के विकास के लिए दी जाएगी। आगे, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का शुभारंभ 13 जून 2018 को टिमरनी जिला हरदा में किया गया। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश का भिंड जिला नवजात शिशु हत्या के लिए देश का पहला प्रकरण दर्ज कराने वाला जिला बन गया है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2018 में गोहद के किले को यूनेस्को ने अपनी सम्माननीय धरोहर सूची में शामिल किया है। यह भिंड जिले में है। वर्ष 2018 में राज्य की प्रथम उद्यमिता विकास केंद्र गोविंदपुरा में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना शहर भोपाल में करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के 64वें स्थापना दिवस पर राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो मेंटो हॉल भोपाल में। क्रांतिलाल भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी के भानु भूरिया को हराकर विधानसभा का उपचुनाव झाबुआ सीट से जीता है। उन्हें किसने विधायक पद की शपथ दिलाई, एनपी प्रजापति ने, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष सहित वर्तमान विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य संख्या कितनी हो गई, 115 114 पहले थी, फिर क्रांतिलाल भूरिया उपचुनाव जीते, उसके बाद 115 हुई।
चिड़िया भड़ुक वाटरफॉल कहाँ है? तो इंदौर में है। देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है जो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हुआ है? तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। हाल ही में किस प्रदेश सरकार में लोगों को सस्ती दरों पर मनोरंजन और स्थानीय स्तर पर रोजगार निर्माण के लिए सिनेप्लेक्स को प्रोत्साहन करने के लिए निर्णय लिया गया? मध्य प्रदेश। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 10 से 12 नवंबर 2019 तक। छिंदवाड़ा जिले के तामिया में रहने वाली भावना डेहरिया ने माउंट एवरेस्ट को फतह करने के बाद किस पहाड़ पर चढ़ने की योजना बनाई? तो याद रखी किलीमंजारो तंजानिया के आगे। मध्य प्रदेश से चलने वाली कौन सी ट्रेन आदर्श से उत्कृष्ट ट्रेन बन गई? भोपाल एक्सप्रेस। भारत में पहले ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना किस शहर में की जा रही है? भोपाल में। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना के तहत किस राज्य ने नववधुओं के ससुराल में शौचालय होने पर 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन है? अभिलाष खांडेकर। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए किन स्थानों पर संग्रहालय बनाए जा रहे हैं? जबलपुर छिंदवाड़ा डिंडोरी। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा उत्सव का आयोजन कहाँ किया पर किया गया? जबलपुर में। आगे देखते हैं जबलपुर में परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए देश की सबसे बड़ी व अत्याधुनिक वायुमंडलीय प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? सीहोर में। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जबलपुर में। राज्य के किस शहर के नगर निगम को ईस्ट व वेस्ट दो भागों में बांटा जाएगा? बांट दिया गया भोपाल को। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 1450 करोड़ रुपये की लागत वाली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाएगा? छिंदवाड़ा में। भोपाल नगर निगम द्वारा किस कॉलोनी को जीरो वेस्ट कॉलोनी घोषित किया गया? आकृति इको सिटी को। किस जिले में प्रदेश का पहला सैनिटरी पैड बैंक खोला गया? बैतूल में। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जन्म के समय बेहतर लिंग अनुपात के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया? रीवा को। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव का आयोजन 2 से 8 सितंबर के मध्य किया गया? तो यह बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आगे भोपाल एक्सप्रेस के बाद किस ट्रेन को मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट ट्रेन बनाया गया? तो रीवांचल एक्सप्रेस को। राइट टू वाटर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखना मध्य प्रदेश। किस राज्य में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा की बिक्री मध्य प्रदेश की राजमहिगनी एम्पोरियम में की जाएगी? छत्तीसगढ़ के। इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो नेहरू स्टेडियम इंदौर में। राज्य में किस जगह कार्गो एयरपोर्ट बनाया जाएगा? डबरा में। मध्य प्रदेश के किस मंदिर को फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा? तो यह रामराजा मंदिर ओरछा को। राज्य में किस शहर को वोट क्लब को प्लास्टिक फ्री बनाने की घोषणा की गई? भोपाल को। राज्य का पहला गौ चिकित्सालय कहाँ खोला जाएगा? ये पंधाना खंडवा में। हाल ही में कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए किसे अपना आइकॉन बनाया? गोविंदा को। किस साल राज्य सरकार ने गायों को गोद लेने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के का कौन सा गांव नॉर्वे की स्टेट ऑफ द फ्रार्ड क्राफ्ट कंपनी की सहायता से देश में हाई डेंसिटी स्टेट ऑफ द हार्ट सेंटर बनेगा? तो जिलाला गांव आष्टा में। प्रदेश के विश्वविद्यालय को हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल। किस जिले के वन क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभयारण्य क्षेत्र विकसित किया जाएगा? तो हरदा।
अभी हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल में निर्मित अटल इक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किन शहरों से पर्यटन स्थल पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। विदेश की दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? जबलपुर में। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किन जिलों में खरमोर संरक्षण परियोजना को मंजूरी दी है? तो धार एवं नीमच में। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, आपकी सरकार, आपके द्वार योजना को देवास जिले से किस तारीख को शुरू किया गया? 1 अगस्त 2019 को। मध्य प्रदेश के तीसरा शहर कौन सा है जहां पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर किस जिले में पुरातात्विक काल के फॉसिल और प्रागैतिहासिक काल के पत्थर पाए गए? नरसिंहपुर। इंदौर स्थित किस अस्पताल में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार में मदर मिल्क बैंक की शुरुआत करने जा रही है? MDH महिला अस्पताल। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जन अधिकार अधिनियम को अमल में लाने वाला जिला बना है? बैतूल। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़े अनुसार प्रजनन दर में पूरे राज्य में पहले नंबर पर है? भोपाल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के लिए मध्य प्रदेश के हिस्से का सर्वे पूरा कर लिया गया है, यह प्रदेश के कितने गांवों से होकर जाएगा? 144। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम 3 माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? इंदौर। मेघा परमार ने हाल ही में यूरोप के सबसे ऊंचे किस पर्वत चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? माउंट एल्ब्रस पर्वत। मेघा परमार मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सीहोर से। जुलाई 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान बजट में किन 3 जिलों में शाही हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? उज्जैन, दतिया, रीवा। उज्जैन, दतिया, रीवा। जबलपुर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थानांतरित किया गया? छिंदवाड़ा में। काजू की खेती के लिए मध्य प्रदेश के कौन से 4 जिलों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया? बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 23 जुलाई 2019 को विधानसभा में पुस्तक सोच बदलें जीवन बदलें का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक हैं रवि सक्सेना। जून 2019 में मध्य प्रदेश की किस नदी को पर्यटन नदी का दर्जा मिल गया है? माही नदी को। हाल ही में सिहोरा में हिरण नदी के पुनर्जीवन के लिए सीड बॉल फेंकने की योजना बनाई गई। यह किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की। देश का पहला ऐसा गांव कौन सा है जहां पर गैस चले चूल्हे से खाना बनता है? तो वांचा, बैतूल का। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं पर होने वाले अपराध रोकने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? शक्ति ऐप। मध्य प्रदेश के किस पर्वतारोही ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? तो है मधुसूदन पाटीदार। किस जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए मिनी फाइटर तैयार किया है? बैतूल ने। कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मोब लिंचिंग के मामले में पकड़े गए आरोपी पर कितने साल की तक की सजा का प्रावधान किया गया? 3 साल तक की। मध्य प्रदेश के किस जिले में किस सरकारी कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए सर्कुलर जारी किया गया? जबलपुर। मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण भोपाल ने किस जिले के प्रसिद्ध भगवान शनि मंदिर को प्रमुख तीर्थों में पंजीबद्ध किया है? ग्राम इंती मुरैना के। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भावना डेहरिया माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला बन गई। वह किस जिले की रहने वाली हैं? तो याद रखिए तामिया, छिंदवाड़ा की। ठीक है,
सीहोर की कौन सी लड़की माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी महिला बन गई? याद रखिए मेघा परमार, याद रखिए भावना डेहरिया प्रथम महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह की है, और दूसरी है मेघा परमार। ठीक, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? ओरछा को। ठीक है, ध्यान उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिए टीकमगढ़ में। ध्यान उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? टीकमगढ़ में। मध्य प्रदेश का पहला मंदिर जहाँ सेब भोग पैलेस बनेगा? महाकाल मंदिर उज्जैन में। मध्य प्रदेश लाड़ू अभियान को ब्रांड एम्बेसडर किसे इशिता विश्वकर्मा को बनाया गया है लाड़ू अभियान का? ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जांच करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? एम गोपाल रेड्डी। आगे, एंटीगेन कोच फैक्ट्री चेन्नई में पहला विनिर्मित स्वचालित निरीक्षण कार मध्य प्रदेश के किस रेलवे मंडल को मिला है? भोपाल मंडल। मुख्यमंत्री कमलनाथ का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त बना किसे बनाया गया? राजकुमार नांगलानी को। देश की पहली किसान संसद का आयोजन जनवरी 2019 में कहाँ किया गया? इंदौर में। प्रदेश के किस जिले में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन शक्ति शुरू किया गया? मंदसौर में। मध्य प्रदेश के पहला गुरुकुल गांव ग्राम रतोना में खुलने जा रहा है, यह किस जिले में है? सागर में। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन है? मदन महल जबलपुर का। मध्य प्रदेश की छठवीं खुली जेल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भोपाल में। आगे बात करते हैं। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में मध्य प्रदेश के किस शहर को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान मिला है? इंदौर को। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 2019 में मध्य प्रदेश के किस शहर को 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान मिला है? उज्जैन को। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के किस शहर को इनोवेशन एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज में पहला स्थान मिला है? जबलपुर को। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को किस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? स्वच्छ कैपिटल सिटी। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में मिला है, स्वच्छ कैपिटल सिटी में मिला है। ठीक है, याद रखना भोपाल को। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के कितने शहर हैं? 6 शहर शामिल। मध्य प्रदेश के अध्यात्म विभाग के पहले कार्य का भूमि पूजन कहाँ किया गया? ओरछा में। मध्य प्रदेश के शहर में एक मैगनैनी का एम्पोरियम भी प्रारंभ किया जाएगा? सागर में। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में देश और प्रदेश की नगर पालिका में राज्य का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? खरगोन। मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर ऑफिसर कौन बनी है? संजना सिंह। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद ने मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय विद्यालय खोलने को की मंजूरी प्रदान की है? 5। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा किस जिले में माइनरिंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? सिंगरौली में। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौण सिंचाई परियोजना का शिलान्यास सिंगरौली जिले में की किस परियोजना किस नदी पर की है? गौपत नदी पर। गौपत नदी पर। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाली किस नदी में राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई? तो याद रखना है बेतवा नदी। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेपाल भारत मैत्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फिरोज खान को। गोरैया के संरक्षण के लिए किस जिले में एक योजना शुरू की गई? विदिशा में। मध्य प्रदेश के किस जिले में CBSE का रीजनल सेंटर खोला जाएगा? भोपाल में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला
देश का सबसे गरीब जिला है अलीराजपुर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का गरीब राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पर है। राज्य में हाल ही में किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में राशि जमा कराई गई? जस्ट इन टाइम सॉफ्टवेयर। मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की कौन सी जनपद पंचायत द्वारा समय पर भुगतान करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रही है? एक खरगोन जिले की जनपद पंचायत झिरनिया। आगे, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? नरेश चौरसिया को। देश का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर अरेकनियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के किन शहरों को स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है? भोपाल, उज्जैन को। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ एमपी 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की किस पर्यटन नगरी में साउंड एंड लाइट शो का आयोजन किया गया? तो याद रखना है मांडू। किस राज्य ने गायों को गोद लेने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। केंद्र सरकार द्वारा की गई स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दी गई राशि को खर्च करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मध्य प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी उच्च गुणवत्ता सूचकांक में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? 15वां। केरल पहले स्थान पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किस शहर में खोला जाएगा? छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनने जा रहा है? आष्टा। प्रदेश का कौन सा गांव नॉर्वे की स्टेट ऑफ द क्राफ्ट कंपनी की सहायता से देश का हाई डेंसिटी स्टेट ऑफ द हार्ट डेटा सेंटर बनेगा? जिलाला गांव, आष्टा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला बाल लिंगानुपात बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? रीवा। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र 2018 के अंतर्गत मुरैना। मुरैना में अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश प्रथम निजी आईटी पार्क 2018-19 में रायसेन जिले में मंडदीप में स्थापित किया जा रहा है। महात्मा गांधी शोध पीठ इंदौर जिले के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में की गई है। स्कूल चले हम 24 जून 2019 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से स्कूल चले हम अभियान का शुरू